दिसंबर की हल्की ठंड वाली मीठी मीठी सुबह, मुंबई के मणिकपुर थाने में अचानक एक महिला खून से सने हाथों के साथ एंट्री करती है, जिसे देखकर पूरे पुलिस थाने में खलबली मच जाती है। इससे पहले उस महिला से कोई पूछता, वो खुद बोलती है, मुझे मेरे बेटे से दूर करने वाली बहू को मैंने मार डाला। ये सुनकर पुलिस भी हैरान थी। ये खौफनाक वारदात साल 2019 की है। तस्वीर में लेफ्ट साइड में दिख रही ये महिला है आनंदी, जिसने पुलिस के सामने इकबालिया जुर्म किया था कि उसने अपनी काले कपड़े पहने तस्वीर में राइट साइड वाली अपनी बहू को मौत के घाट उतारा है। असल में सास आनंदी ने अपनी बहू रिया को सोते समय उसके सिर पर गुलदस्ते से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद उसने धारदार हथियार से मृतका का एक हाथ काट दिया और उसको लेकर मणिकपुर पुलिस थाने में पहुंची। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आनंदी ने बताया था कि उसकी बहू रिया नर्सिंग का काम करती थी, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। वो उससे ये काम बदलने के लिए अपनी बहू पर दबाव डाल रही थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि रिया और आनंदी के बेटे रोहन ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी, जहां शादी के कुछ दिन बाद ही रिया टेक्सास चली गई थी, क्योंकि वहां उसे नर्स की जॉब मिल गई थी। इसके चलते आनंदी का बेटा भी अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए यूएस चला गया, जिसके चलते आरोपी महिला दुखी रहने लगी। मगर जब 1 दिसंबर 2019 को परिवार छुट्टियां मनाने मुंबई में आया, तो एक सुबह मौका देखकर उसने गुलदस्ते से बहू को मार दिया। जब पुलिस मृतिका के घर पहुंची, तो मृतिका के बेडरूम में रिया का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। वहीं पास में ही खून से सना एक तकिया और चाकू पड़ा हुआ था, जबकि मृतिका के पास में ही उसकी 6 महीने की बच्ची सो रही थी। बेटे के प्यार में अंधी होकर आनंदी ने ऐसी कहानी लिखी जिसने उसे जुर्म के अंधेरों में धकेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।